हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है जो अभी सपना से रिलेटेड टॉपिक पे एक मैडम हैं, शर्माते शर्माते, नाम तो उनके पीछे शर्मा लगता है लेकिन शर्म नाम की चीज़ नहीं है उनके पल्ले, तो उनके ऊपर है और साइक्लोन जी के ऊपर है। तो मैं साइक्लोन के लिए एक बात कहना चाहती हूँ जो कि मैं पिछले वीडियो में नहीं बोल पाई, तो मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगी। अगर लखन वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो मैं लखन भाई से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को समझने की कोशिश करना। बिकॉज क्या होता है, आप किसी को भी इस तरीके से देखते हो ना कि हाँ सामने वाला इंसान अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो वो रियल ही होगा, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि आप जो चीज़ें सुन रहे हो उसके आगे पीछे बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपने शायद ना सुनी हो या आप नहीं समझे हो क्योंकि आप उनको कभी देखते नहीं हो। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप वीडियो को सुनना, समझना। अभी एक मैडम है दुनिया करके चैनल है उनका, वो आपके ऊपर बहुत सारे बातें कर रही हैं कि लखन भाई अभी सपना के उसमें हैं तो वो इंसाफ मुझे भी दिलाएं, वो पब्लिक से भी डिमांड कर रही हैं। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी जो मियाँ बीबी अभी इनके बारे में, सपना के बारे में गंदा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सास ससुर के फेवर में आके वीडियोज़ बना के सपना को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सास ससुर का फेवर लेना गलत बात नहीं है लेकिन सपना को गिराना गलत है ना। अगर आपको फेवर करना है तो आप दोनों पार्टी को करो, क्योंकि अगर आप एक को फेवर करोगे तो वो लड़ाई बढ़ाने की बात है। अगर आप दोनों को फेवर करोगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उसी मैटर के बीच एक दुनिया वाली मैडम आई है जिन्होंने ये बताया कि ये मियाँ बीबी मेरे पीछे भी कुछ दिनों पहले पड़े थे। तो मैं आपको बता दूँ, इन्होंने अपने वीडियो में ये बात तो बता ही दी है कि मैं इनको अपनी बहन मानती थी और एक रिश्ता आया था, ठीक है। उससे पहले एक बात और हुई थी, एक चैनल है जो कि कंचन धवन के नाम से है, इंडियन यूट्यूबर कंचन धवन के नाम से, तो वो कंचन उस चैनल को मतलब चला रही हैं। एक लेडी हैं जिनका 11-12 साल का अभी बेटा है जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो वो लड़की जो है उनके भी हस्बैंड की डेथ हुई है, वो भी एक विडो हैं, एक टाइम पे थी मतलब, फिर उनकी दूसरी शादी हुई तो दूसरी शादी में एक नशेड़ी इंसान से शादी हुई, तीसरी शादी अभी जो हुई है वो एक फ़ौजी इंसान से हुई है, कुछ टाइम पहले ही हुई है। लेकिन जब फौजी से शादी नहीं हुई थी, नशेड़ी वाला डाइवोर्स हुआ था उस टाइम पे, कुछ समय पहले की बात है, आज से 6 महीने 4 महीने पहले की बात है, तो 4 महीने भी शायद पूरे नहीं हुए होंगे उस चीज़ को, 3 महीने ऐसे समथिंग कुछ हुए होंगे। तो तब की बात है, तब यही जो दुनिया वाली मैडम है, यही मैडम अपने इन्हीं भाई भाभी के साथ मिलके, मतलब इन्हीं बहन और जीजा के साथ मिलके जो मियाँ बीबी अभी सपना के पीछे हैं, उन्हीं के साथ मिलके उसको इतनी गंदी, इतनी गिरी हुई लैंग्वेज में बात कर रहे थे ये लोग, मतलब दोनों मियाँ बीबी। इनके वीडियोज़ होंगे शायद, अभी शायद नहीं भी होंगे, इन्होंने उस कंचन के लिए इतनी गिरी हुई लेवल पे बातें की हैं कि मैं अपने मुंह से बताना भी सही नहीं समझूंगी। इन्होंने हर तरीके से उसे फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से बहुत गंदा बोला है ना, कि उस इंसान के बारे में इन्होंने ये भी बोला है कि मतलब उसकी शादी नहीं चलती है, उसको तरह तरह के आदमियों में इंटरेस्ट है, और मतलब बहुत गंदा। मैं मतलब बोलना नहीं चाहती हूँ पर कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर मिलेगा। मैं अपने सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती हूँ, लेकिन गाइडलाइंस तो छोड़ो यार, मैं उतनी गंदी लैंग्वेज बोल भी नहीं सकती हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक औरत, अगर एक औरत की ही इज्जत की बात हो रही है तो प्लीज़ कंचन के लिए भी आवाज़ उठाई जाए, और आप लोग ही बताएं कि इन मियाँ बीबी, दोनों मियाँ बीबी ने, शर्मा जी की जो हैं, उन्होंने क्या क्या किया है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि क्या क्या कंचन को बोला गया है, कितना गंदे लेवल पे जाके बोला गया है, और वही वीडियो इस दुनिया वाली मैडम ने अपनी कम्युनिटी में शेयर करके ये बोला है कि आप लोग तो इतना मोटिवेट कर रहे हो मुझे और दुनिया को इतना मोटिवेट कर रहे हो, एक औरत की सच्चाई दिखा रहे हो, और आपको तो जोश टॉक पे जाना चाहिए भाई, मतलब जीजा और अपनी बहन को इन्होंने बोला था, ठीक है। तो उस समय जब ये दूसरे किसी औरत के बारे में उन दोनों मियाँ बीबी को प्रमोट कर सकती है, तो फिर
उसके बाद जो चीज़ें हुई उसके बाद कंचन के साथ बहुत दिनों तक ये सब कहानी हुई, बहुत मेंटल हरेसमेंट हुआ। उस समय मैंने वीडियोस बनाए थे, मैंने बहुत कुछ इन लोगों को समझाया था, इनको बोला था, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो मैंने कंचन को समझाया था और मैंने ही बोला था कि कंचन तुम चुप हो जाओ, कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ अपने पे आएगा ही आएगा और वो गिरे हुए लोग हैं तो वो तुम्हारे लेवल के नहीं हैं तो तुम्हें चुप होना ही पड़ेगा। तो एक बार को कंचन चुप हो गई थी, लेकिन ये लोग घटिया लोग नीच लोग चुप नहीं हुए थे और ये दुनिया वाली उनको प्रमोट कर रही थी, ठीक है। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद इनकी रिश्ते की कहानी स्टार्ट हुई। कहानी के अंदर मैंने इस दुनिया वाली को समझाया था कि भैया चैनल के लिए सब कुछ हो रहा है तो मत कर ये सब कहानी, तेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं सब मिलके, तू इन सब चक्रों में मत पड़। ये लेकिन नहीं मानी क्योंकि इसको हर एक चीज़ में इंटरेस्ट आता है, इसको हर एक पॉइंट में मज़े आते हैं, इसके लिए ये सब मजाक होता है। तो ये मजाक में ले रही थी सब चीज़ों को और जब उन्होंने इसकी बारी मुंह खोला, उन्होंने गंद बका, तब भी मैंने स्टैंड लिया है और मैंने इसके लिए भी, जबकि मेरे को इसका कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, इस दुनिया वाली का बिल्कुल घटिया लेवल का कंटेंट है इनका, ये पब्लिक को इतना गंदा मैसेज देते हैं कि क्या ही बोलूं। तो अगर ये लखन भैया मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ किसी की भी हेल्प करने से पहले ना हेल्प आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप भरपूर मात्रा में हर एक लेडी की हेल्प करो जो ज़रूरतमंद है आपको लगती है। लेकिन ये दुनिया वाली के लिए मैं आपको पर्सनली बोलूँगी यहाँ पर, अगर आप इनकी हेल्प करते हो तो आप इनसे ये प्रॉमिस या ये बात ज़रूर क्लियर करना कि ये समाज को गलत मैसेज ना दे इस हेल्प के बाद, क्योंकि इनके जो वीडियोस आते हैं इनके वीडियोस में ना ही माँ बाप की कदर की जाती है ना ही भाई बहन की कदर होती है, हर एक रिश्ते को नीलाम कर रखा है इन लोगों ने, हर एक चीज़ को इतने गंदे लेवल पे जाके गंदा करते हैं लोग। छोटा सा 4 साल का बच्चा है उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसको खाना प्रॉपर नहीं मिलता, उसे केयर प्रॉपर नहीं मिलती है, यहाँ तक कि उसको दवाई भी प्रॉपर नहीं मिलती है। 1 महीना 1.5 महीना पहले वो बच्चा हकलाता नहीं था, आज की डेट में वो हकलाना स्टार्ट हो गया है। माँ का कहना ये है कि ये बच्चा पता नहीं क्यों हकला रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि हकला रहा है बच्चा, यूट्यूब के लोग तुम्हें देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं इनके ऊपर कि बच्चा हकला रहा है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हॉस्पिटल लेके जाओ, 60-60 हज़ार रुपये महीने का तुम कमा रहे हो तो क्यों नहीं बच्चे का प्रॉपर इलाज होता। तो जो भी चीज़ें ये कर रही हैं वो गलत है और अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर आप सच में एक नॉर्मल तरीके से चीज़ों को देखोगे तो आप भी समझोगे कि हम लोग उस बच्चे के लिए कंसर्न हैं और हम उस बच्चे का अच्छा चाहते हैं, है ना। तो प्लीज़ आप उन सब चीज़ों पे भी थोड़ा गौर करना। इनका कहना ऐसा है कि मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ, मैं सब करती हूँ, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम वीडियोज़ रोज़ डेली देखते हैं। बच्चे को ढाबे का खाना खिलाया जाता है, बच्चे को डेली बेसिस पे सिर्फ चावल और फ्रेंच फ्राइज और फ्रूट्स, ये 3 चीज़ों पे टिकाया हुआ है। बच्चा पड़ोसियों के घर में रोटी खा लेता है गेहूं के आटे की, इनके घर के अंदर वो गेहूं का आटा नहीं खाता, रोटी नहीं खाता, क्योंकि उसको दी नहीं जाती बना के तो खाएगा कैसे। बच्चे को नहलाना नहीं सिखाया, बच्चा नहाने से डरता है, ब्रश नहीं करता, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे को आती ही नहीं है दुनिया में। तो आप इन सब चीज़ों को देखना, और अगर किसी औरत के साथ गलत हो रहा था तो ये मैडम उस मियाँ बीबी को अपने कम्युनिटी में क्यों शेयर कर रही थी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है। अपने पे बात आई तो बुरा लगा, पर मैं ही थी ना, उस लड़की के लिए भी बोल रही थी और आज तुम्हारे लिए भी बोलती आई हूँ हमेशा से। जब गलत होता है तो मैं बोलती हूँ ये चीज़ों में, ये गलत है तो गलत है। अगर इसके साथ कुछ बात हुई तो इसको इंसाफ चाहिए, लेकिन दुनिया की बाकी लड़कियों को अगर गंदा बोला जा रहा था, यहाँ तक कि ये भी बोला गया है कि तुझे आदमियों से संतुष्टि नहीं मिलती, ये बात कंचन को बोली गई है, जिस कंचन की बात कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ट्रस्ट ना हो लखन भैया, आपको नहीं पता हो लखन भैया, तो मैं आपको डायरेक्ट उनसे भी पूछवा दूँगी ये बात कि उनको ये बातें बोली गई हैं कि नहीं बोली गई हैं, और ये बात तो आपको ऑडियंस ही बता देगी कि बोली गई है कि नहीं बोली गई है। उनको यहाँ तक ये भी बोला गया कि अगर तुम्हें आदमियों से संतुष्टि नहीं मिलती है तो तुम हाथी का ले लो, यहाँ तक की भाषा भी यूज़ की गई है, और वो सारे वीडियोस इस दुनिया वाली ने अपने शेयर किए हैं। और इसने ये बोला है इन लोगों को प्रमोट करने के बाद कि आप लोगों को तो जोश टोक पे जाना चाहिए, आप लोग तो एक मोटिवेशनल काम कर रहे हो, तो
ये लाइन सुनने के बाद इसको कहाँ से मोटिवेशन मिला मुझे नहीं पता लगा। तो अगर अपने पे बात आई तो आज इसको 4 महीने बाद इंसाफ चाहिए, लेकिन क्या वो लड़की नहीं थी जिसकी बदनामी इस औरत ने खुद ने कराई है? वो लड़की नहीं थी, वो विडो नहीं थी, उसके पास बच्चा नहीं था बीमार, सिर्फ इसका बच्चा बच्चा है, उसका बच्चा कुछ नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है फिर? और आज हम इसके ऊपर रहम खाएं तो क्या वो औरत नहीं थी? मियाँ बीबी तो तब भी गलत थे और अभी भी गलत हैं और इसके बारे भी गलत थे, पर उन मियाँ बीबी को प्रमोशन कैसे दिया था फिर इसने? क्या सोच के क्या बोल के इसने ये बातें बोली थी कि हाँ भैया आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हो? हाँ दीदी बनी हुई थी वो, तो इसकी बहन बनी हुई थी ना, तो फिर इसने उस औरत के लिए, कंचन के लिए गंद क्यों बुलवाया? ये खुद उसके कमेंट सेक्शन में जा के बोलती थी आपने बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल बढ़िया बोला, मज़ा आ गया आपके वीडियो देख के, सामने वाला जल गया होगा पूरा, ये क्यों बोला इसने फिर? और अगर ये बोलती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं इस चीज़ का प्रूफ भी लगा सकती हूँ, समझ में आई? प्रूफ लगा सकती हूँ मैं, मेरे पास सब कुछ प्रूफ पड़ा है, 4 महीने पुराना भी। तो सोच समझ के हेल्प करो अगर आप करना चाहते हो तो। बाकी अगर इसकी हेल्प होनी है तो फिर सोच समझ के करना, क्योंकि गलत बहुत है। इसके चैनल को एनालाइज पूरा करना, जो लोग इसके ऊपर प्रॉपर रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं उन सबको मालूम है कि ये अपने खुद के बच्चे के साथ भी कितना गलत करती है। हम लोग रोज़ डेली वीडियो में देखते हैं, सिर्फ एक वीडियो में बना के इमोशनल दिखाने का, सामने वाला ये नहीं होता कि इमोशनल दिख रहा है तो भैया वो सच में वैसा है, ये तो बोलती है। जो भी नोटियाल के लिए वीडियो बनाती है तो ये तो बोलती है कि आप बोलोगे ना तो मैं 2 मिनट के अंदर अपने आंसू निकाल सकती हूँ, मैं इतनी बड़ी एक्टर हूँ, आपसे मिलना है मुझे, समझ में आई? तो ये एक्टिंग है इसकी, तो थोड़ा समझो आप। बाकी मुझे इससे कोई नफरत नहीं है, क्योंकि जब इसके साथ गलत हुआ था तब मैंने स्टैंड लिया था, और आज भी बोलती हूँ कि इसके साथ भी गलत शब्दों का यूज़ हुआ है और उस चीज़ों के लिए मैंने बोला है, लेकिन इसने भी लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, ये बात भी बोलूँगी साथ में। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। बाकी जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि इस कमेंट सेक्शन को फुल कीजिए और ये बताइए कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ, और कंचन के साथ जो भी चीज़ें हुई प्लीज़ खुल के बताइएगा, है ना, जो भी आप लोग लिखोगे। उम्मीद करूँगी कि लखन भैया इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, टैग भी करूँगी मैं उनको, तो वो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि क्या उनके साथ हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।